हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लिया है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सिंप्लीफाई। यहाँ पर इसके ये फोर पार्ट दिए गए, इनको वन बाई वन सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इन पार्ट्स को पहले सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ। तो देखिए, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ए टू दी पावर एम एन टू ए टू दी पावर एन इजिकल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन। मतलब ये जब कोई एक्सपोनेंट टर्म दिए हों और उनके बेस सेम हों और वो मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखे हों तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार यहाँ पर एक और फार्मूला देखते हैं। देखिए, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन इजिकल टू ए टू दी पावर एम माइनस एन। देखिए, जब कोई एक्सपोनेंट टर्म दिए गए हैं और उनको डिवाइड मतलब एक दूसरे से करना हो, अगर उनके बेस सेम है तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार चलिए और आगे एक फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए फार्मूला, ये फ्रेंड मैंने लिखा है, ए टू दी पावर एम इस पूरे की होल पावर एन दी गई है। अगर कुछ ऐसा दिया गया है तो आप क्या करेंगे, देखिए उनकी पावर जो है ईच अदर मल्टीप्लाई हो जाती है इक्वल में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए टू दी पावर एम एन टू एन। और एक फार्मूला इसके आगे देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखिए। देखिए ये फार्मूला जो मैंने अभी यहाँ पर से ये सेकेंड नंबर पे बताया, ये एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पर से ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखा है, तब भी देखिए अगर इनके तब भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर से तो ये ऊपर लिखा है ए की पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन। जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और डिवाइड फॉर्म में है तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो ये एक ही जैसा है बिल्कुल। आइए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर से देखिए, ये फ्रेंड यहाँ पर से मैंने लिखा है ए अपॉन बी इस पूरे की पावर माइनस एम है। देखिए, जब इनके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देंगे, ठीक है, ईच अदर ये चेंज हो जाएंगे तो इसकी पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए अपॉन बी लिखा है तो इसकी पावर माइनस एम है। यहाँ पर से देखिए, जब इसे हम लोग चेंज कर देंगे, बी अपॉन ए करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चेंज करने पर इसका साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब फ्रेंड ये फोर फाइव मतलब फोर फार्मूले हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पर पार्ट वन नोट डाउन कर लिया। देखिए फ्रेंड, पार्ट वन में दिया है टू की पावर टू अपॉन थ्री इंटू टू की पावर वन अपॉन फाइव। तो इसे फ्रेंड सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जब टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हैं और उनके बेस सेम हो तब उनकी पावर प्लस हो जाती है, ये मैंने फार्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस इनके सेम है और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हैं तब इनकी पावर प्लस हो जाएंगी। बेस को एक बार लिख लेंगे और इसकी पावर में ये तो पावर लगी है, प्लस करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। देखिए तो अब देखिए पावर को प्लस कर कैसे करेंगे, यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे। देखिए जो जहाँ पे मैं क्रसर मूव कर रहा हूँ, ये जो फाइव है इस टू से मल्टीप्लाई करेगा तो फाइव टू या टेन हो जाएगा। नीचे वाला है जो थ्री है, वन से मल्टीप्लाई करेगा तो थ्री वन या थ्री आ जाएगा, टेन और प्लस थ्री थर्टीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका न्यूमिनेटर तो प्लस करने पर थर्टीन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर की फाइव और थ्री की मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी पावर्स को प्लस करने पर हमें मिलेगा टू की पावर, यहाँ पर से ये आ जाएगा थर्टीन अपॉन फिफ्टीन। तो यही फ्रेंड इस पार्ट वन का आंसर है। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर आ गया है टू की पावर थर्टीन अपॉन फिफ्टीन। तो चलिए अब इसका पार्ट टू भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड पार्ट टू मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। देखिए फ्रेंड, पार्ट टू में ये दिया है वन अपॉन सेवन सॉरी वन अपॉन थ्री टू दी पावर थ्री इस पूरे की पावर होल दी गई है सेवन। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर से इनको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, जो नीचे ये नंबर लिखा है, जब ये ऊपर न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग जाएगा तब इसकी पावर जो है ये चेंज हो जाएगी। मतलब ये जो थ्री की पावर थ्री लिखी है, ये तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तब ये थ्री की पावर माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में देखिए जो सेवन लिख लेंगे, जो कि इसकी होल पावर लगी है। ठीक है, तो इंटू में ये सेवन भी लिख लिया मैंने। अब क्या कर लेंगे, बस थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, थ्री को तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस थ्री और इंटू सेवन की मल्टीप्लाई करा करके इसकी पावर में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे फ्रेंड हमने यहाँ पर से सॉल्व कर लिया है, तो इसका पार्ट टू का आंसर आ चुका है थ्री टू दी पावर माइनस ट्वेंटी वन। तो चलिए इसका पार्ट थर्ड भी कर लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने पार्ट थर्ड नोट डाउन कर लिया है। देखिए फ्रेंड पार्ट थर्ड में दिया है 11 टू द पावर हाफ अपॉन 11 टू द पावर 1/4। तो चलिए फ्रेंड इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो कि डिवीजन फॉर्मेट में था। मैंने बताया था जब टर्म डिवाइड फॉर्मेट में लिखे हैं और उनके बेस सेम हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है, ठीक है ईच अदर। तो यहाँ पर भी हम लोग पार्ट थर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पर बेस तो इनके सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो 11 को हम लोग एक बार लिख लेंगे और इसकी पावर को यहाँ पर से जो पहले ऊपर न्यूमिनेटर में टर्म लिखा है इसकी पावर लिख लेंगे हाफ, और जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा है इसकी पावर माइनस 1/4 है तो इसे माइनस साइन के साथ में लिख लेंगे 1/4, ठीक है। तो चलिए अभी इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए जो बेस है 11 ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हाफ है और ये माइनस का 1/4 है, ठीक है। हाफ में से 1/4 माइनस कर देंगे फ्रेंड तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो ये यहाँ पर से इस प्रकार इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा 11 टू द पावर 1/4। तो ये फ्रेंड पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर से पार्ट फोर्थ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड पार्ट फोर्थ में यहाँ पर दिया गया है 7 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर हाफ। देखिए फ्रेंड यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं इनके जो बेस हैं बेस तो सेम नहीं है लेकिन यहाँ पर से इनकी जो पावर है पावर जरूर सेम है। तो क्या कर देंगे, देखिए हम लोग जो बेस है बेस को मल्टीप्लाई के साथ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया है जो 7 × 8 जो लिखा है इसे मैंने मल्टीप्लाई साइन के साथ में लिख लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बार पावर लगा देंगे हाफ। अच्छा एक बार क्यों लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है, ठीक है। इसीलिए मैंने इनके जो बेस हैं एक साथ मल्टीप्लाई में लिख लिया है और इसकी पावर जो सेम है दोनों की इसीलिए इसके मैंने होल पावर लगा दी है हाफ। अब फ्रेंड इसकी मल्टीप्लाई इच अदर थोड़ी करा लेंगे, यहाँ पर से 7 × 8 = 56 हो जाएगा और जो इसके ऊपर पावर लगी है हाफ उसे एज इट इज ऐसे ही लगा देंगे। तो ये फ्रेंड पार्ट फोर्थ का आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने यहाँ पर से इस वीडियो में पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।